नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट की तरफ से भर्ती निकली है। जिन कैंडिडेट्स ने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह, वो सभी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री अभी कर रहे हैं तो भी आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें ताकि आपको पता चले कि जॉब के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आप पास कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप चेक करें अच्छी तरह से पूरे वीडियो को। तो ये दोस्तों नोटिफिकेशन आपके सामने है और इसका लिंक जो है, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये डेट है दोस्तों 17/6/2020 का, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले बात करते हैं आईटीआई वाले कैंडिडेट्स की। नंबर एक पे जो ट्रेड है उसका नाम है फीटर। टोटल 8 पोस्ट हैं, 8 जो पोस्ट हैं जनरल वाइज, जनरल की 4 पोस्ट हैं, एससी 1, एसटी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्ट हैं, ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 8 पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज डिटेल आप चेक कर सकते हैं। मैकेनिक डीजल के लिए 10 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन की भी 10 पोस्ट हैं। बात करते हैं कोपा की, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, टोटल 30 पोस्ट हैं यहाँ पे, कैटेगरी वाइज डिटेल यहाँ पे दी है दोस्तों। यहाँ पे एक बात आपको बता दें कि आईटीआई आपने, चाहे आपने आईटीआई एनसीवीटी से किया है या एससीवीटी से किया है, सभी प्रकार के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट्स दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ एक चीज़ अच्छी तरह से, कि ज़्यादातर आईटीआई के अंदर एनसीवीटी है और एससीवीटी जहाँ भी है कम ही है, क्योंकि एससीवीटी खत्म हो चुकी है, लगभग एनसीवीटी ही है, एनसीवीटी से ही सारे हैं। लेकिन फिर भी अप्रेंटिस की जो भी भर्ती निकलती है वो लिखते हैं, चाहे वो रेलवे की है, चाहे वो रोडवेज की है, कोई भी है दोस्तों, तो लिखते हैं हमेशा एनसीबीटी ऑब्लिक एससीबीटी। तो आप दोनों प्रकार के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी इन्होंने कोपा के बारे में भी बताया कि आईटीआई एससीबीटी ट्रेड से है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, उसी के ठीक नीचे इन्होंने आईटीआई एनसीबीटी की भी इन्होंने बताया है। मतलब बोथ कैंडिडेट्स आर सेम, आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। स्टाइफंड का भी इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बताया कि मंथली स्टाइफंड कितना दिया जाएगा, 7700 रुपये, 7700 रुपये उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिन्होंने आईटीआई से 1 साल का कोर्स किया है, और 8050 रुपये उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिन्होंने आईटीआई से 2 साल का कोर्स किया है। बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का अगर आपको कंफ्यूजन है इस भर्ती से लेके, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट जो है वायरमैन की ट्रेड, 10 पोस्ट है वायरमैन के लिए, टर्नर की 6 पोस्ट हैं, वेल्डर की 6 पोस्ट हैं, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक और रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक की 4 पोस्ट हैं यहाँ पे, तो और उसके नीचे जो है, यहाँ तक दोस्तों आईटीआई की ट्रेड थी। स्टाइफंड का भी आपको बता दिया है, और आपकी ट्रेड जो है, जो भी आपकी ट्रेड है एनसीबीटी या एससीबीटी से, बोथ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 30 पोस्ट है इसके लिए। सिंपल जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, बीए, बीएससी या बीकॉम किया है, रेगुलर होना चाहिए दोस्तों, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ रेगुलर कैंडिडेट, डिस्टेंस वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना आपने। बीएससी, बीए, बीएससी, बीकॉम, रेगुलर वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइफंड की अगर हम बात करें तो स्टाइफंड दिया जाएगा 9000 रुपये पर मंथ। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स की। ऊपर भर्ती थी 2 प्रकार की, आईटीआई वालों के लिए और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनके लिए। बात करते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनके लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और आईटी, इन ट्रेड्स में जिन्होंने डिप्लोमा किया है, रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों आपका। कैटेगरी वाइज सभी की डिटेल यहाँ पे है, 10 10 पोस्ट निकली हैं दोस्तों सभी की, 6 पोस्ट सिर्फ आईटी की, कंप्यूटर साइंस की और इलेक्ट्रॉनिक्स की है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, चाहे आपका डिप्लोमा है चाहे डिग्री है, टेक्निकल कोई भी कोर्स है दोस्तों, टेक्निकल कोर्स हमेशा रेगुलर होता है, डिस्टेंस से नहीं होता, आपने हमेशा ध्यान रखना है। कभी आप किसी जो है किसी के बहकावे में आ जाएं और आप अपने पैसा और समय दोनों बर्बाद कर दें, चाहे आपका आईटीआई है, चाहे डिप्लोमा है, चाहे डिग्री है, चाहे एमसीए है, चाहे एमटेक का कोर्स है दोस्तों, मतलब टेक्निकल कोर्स कोई भी है उसकी मान्यता रेगुलर जो है दोस्तों, रेगुलर की मान्यता ज़्यादा होती है, रेगुलर की वेटेज ज़्यादा होती है। मतलब टेक्निकल कोर्स जो है रेगुलर आपका होना चाहिए, तभी बनती है दोस्तों, क्योंकि डिस्टेंस के कोर्स को नहीं मानते, एआईसीटीई वाले भी नहीं मानते। और इसके अलावा इंटरव्यू वगैरह जब होता है दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि हरियाणा के अंदर जब पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट निकली थी,
तो जिन कैंडिडेट्स ने डिस्टेंस से किया था एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए, तो सरकार ने जो है उनको मना कर दिया था कि आपकी डिस्टेंस की डिग्री है, हम आपको अलाउड नहीं करेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है दोस्तों, टेक्निकल डिग्री की। तो यहाँ पे अगर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं तो 8,000 रुपये पर मंथ जो है उनको दिया जाएगा। बात करते हैं जिन्होंने डिग्री की है अप्रेंटिस। ट्रेड यहाँ पे है दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या आईटी का है। यहाँ पे 10-10 पोस्ट निकली हैं। लास्ट वाली जो ट्रेड है उसकी 6 पोस्ट हैं। रेगुलर यहाँ पे इन्होंने रेगुलर क्लियर मेंशन किया है कि रेगुलर आपका होना चाहिए। 9,000 रुपये पर मंथ जो है आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। कुछ एक पॉइंट्स और हैं मेन मेन आपको बता देते हैं दोस्तों अप्रेंटिस की भर्ती में, ताकि आपको दिक्कत ना आए। एज आपके 28 साल से कम होनी चाहिए, नंबर एक पे आपने ध्यान रखना है। नंबर दो आपने ध्यान रखना है कि सीरियल नंबर एक से लेकर नौ तक जितने भी ट्रेड की भर्ती है वो आपका 2016 या 2000 के बाद की आपकी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने आईटीआई पास किया है तो आईटीआई या तो आपने 2016 में पास की हो, ये होनी चाहिए, या फिर 2016 के बाद, ध्यान रखना है। सीरियल नंबर 10 जो है, सीरियल नंबर 10 के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो 2018 में होनी चाहिए पास, या फिर 2018 के बाद। सीरियल नंबर 11 से लेकर 14 तक जो है आपका, जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो 2018 या 2018 के बाद। सीरियल नंबर 15 से लेकर 18 तक का जो मामला है दोस्तों, वो आपकी फाइनल डिग्री जो है 2018 या 2018 के बाद होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं, तभी आपने इसमें अप्लाई करना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कोई भी भर्ती निकलती है कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप अच्छी तरह से रीड करके फिर आप उसमें अप्लाई करें। सिलेक्शन का क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने क्लियर बताया है कि जो सिलेक्शन होगा वो प्योर मेरिट बेस पे होगा दोस्तों। मेरिट बेस पे ही कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के लिए मेल की जाएगी। तो आप जो साइट है dindayalport.gov.in, इस साइट पे को आप लगातार चेक करते रहें। जैसे भी कॉल लेटर वगैरह आएगा वो इसी साइट के माध्यम से आपके पास आएगा। तो लेटेस्ट अपडेट आपके सामने है दोस्तों। और आईटीआई वालों के लिए एक पॉइंट्स और है यहाँ पे। आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री जिन्होंने किया है वो आपको बता देते हैं इसके अंदर क्या पॉइंट है। ये देखिए एप्लीकेशन का प्रोसेस इन्होंने बताया है, जिन्होंने आईटीआई किया है उनके लिए। आईटीआई वाले जो पास कर चुके हैं दोस्तों, वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लें यहाँ पे apprenticeship.org की जो अपनी साइट है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लें, फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री किया है उनके लिए यहाँ पे है दोस्तों, डिप्लोमा और डिग्री वालों का इन्होंने क्लियर बताया है, जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री किया है वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लें इस साइट के ऊपर, तो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। MHRDNATS.gov.in। तो अगर आप करवा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं करवाया है तो आप तुरंत करवा लें। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करूँगा कि जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज जिन्होंने नहीं करवाया है, वो भी अपना रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवा लें। क्योंकि कई बार रिक्रूटमेंट जो निकलती है अप्रेंटिस की, या वैसे कोई भी रेगुलर जॉब निकलती है, तो वो मांगते हैं दोस्तों कि आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास कमेंट्स आते हैं लगातार, मैं वीडियो के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स को अभी समझा देता हूं दोस्तों, बता देता हूं कि आपका नाम राशन कार्ड में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, वोटर आईडी में, हर चीज़ में आपका नाम सेम होना चाहिए दोस्तों, एज पर आपकी मार्कशीट। अगर मान लिया राशन कार्ड में या आपके आधार कार्ड में नाम गलत है तो आप उसको तुरंत ठीक करवा लें दोस्तों। वोटर कार्ड में भी अगर गलत है तो आप उसको ठीक करवाएं जल्दी से जल्दी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल करेक्ट करवा लें टाइमली, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ये है लेटेस्ट अपडेट। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कांडला गुजरात की तरफ से है दोस्तों, ये गुजरात में पड़ता है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी तरह घर बैठे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अपडेट पाने के लिए आप पढ़ाई पूरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।